यस बच्चों, हाउ आर यू। अभी तक जो हमने देखा एक्सरसाइज 3.2 तक, मतलब कि ग्राफ को छोड़ के, ग्राफ वाला पोर्शन जो है बाकी है, हम ये एक्सरसाइज के बाद डिस्कस करेंगे क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चंस कम है। ओके, तो अभी तक जितने भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। ओके, और अगर कुछ भी, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके इतना इजी जा रहा हूँ। ओके, क्योंकि आपको थोड़ा भी बेसिक में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, यही मेरी कोशिश है। फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ भी इश्यू है, प्लीज प्लीज लेट मी नो। ओके, मुझे कमेंट्स में बताइए, क्योंकि छोटी सी बात होती है कभी, लेकिन वो अगर हम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो देन लेटर वी विल बी इन अ ट्रबल। ओके, सो बिकॉज सो कुछ भी करने से पहले, स्टार्ट आगे जाने से पहले डाउट अगर है तो उसको क्लियर करना जरूरी है। राइट बच्चों, अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बता दिया कि ग्राफ वाला पोर्शन हम बाद में कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अभी तक जो डिस्कस किया हमने उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन से एक्सरसाइज 3.2 के। ओके, अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 पे लग जा रहे हैं हम लोग कि cosx इज इक्वल टू -1/2 गिवन है एंड कंडीशन, मतलब की पोजिशन ऑफ द एक्स, राइट, डोमेन। तो डोमेन दी गई है एक्स लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। तो जो x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, पहले ही हमने बता दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ सेकंड में साइन एंड कॉस है, थर्ड के अंदर टेन एंड कॉट एंड फोर्थ के अंदर कॉस एंड सेक। इतना क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स इन टेंथ क्लास, और यू कैन रिमेम्बर लाइक दिस ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ओके, इट विल बी बेटर, जैसे भी आपको सही लगे वैसे याद रहेगा, बहुत इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो यहां पे जो पोजीशन है, डोमेन है एक्स जो है वो कहां से है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट से है। तो थर्ड क्वाड्रेंट से है, इसका मतलब कि हमें ये जो 5 रेशियोज जो है, क्वेश्चन में था कि cos x गिवन है, हमें ये 5 रेशियोज, रेस्ट जो 5 रेशियोज है ये हमें फाइंड करने हैं। तो tan एंड cot जो रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा। ओके, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। बाकी हमें साइन की जो वैल्यू मिलेगी, cos x की और sec की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। मैंने यहां -2 लिख लिया था, क्यों लिख दिया था, बिकॉज cos x इज इक्वल टू, ये तो डायरेक्ट ही मिल जाता है, sec x इज इक्वल टू -2, तो -2 हो गया पहला। ओके बच्चों, बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये हमें फाइंड करना है। अभी tan x और cot x में नहीं जाएंगे पहले, क्यों, क्योंकि हमें पहले sin x निकालना पड़ेगा। sin x मिल जाएगा तो हमें tan x और cot x भी मिल जाएगा, ठीक है। तो sin x जो है वो फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ क्लास 10, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos² x। तो यहां पे साइन x क्या आ जाएगा बच्चों, √1 - cos² x प्लस और माइनस, राइट, बट साइन x यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी, 1 - cos² x। रीजन, x इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में से है तो x sin x की वैल्यू आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी। ओके फाइन, अभी cos² x, cos क्या है बच्चों, -1/2 होल स्क्वायर। वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट डालनी आपको जरूरी है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे बिकॉज स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। मेरा आपको ये एडवाइस है, आप ऐसा नहीं करो, डायरेक्ट वैल्यू कई बच्चे रख देते हैं, तो जो वैल्यू इनपुट की है उसके जो स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, कई बार बच्चे वो छोटी सी मिस्टेक की वजह से उसके मार्क्स चले जाते हैं, गंवा देते हैं, ठीक है। अभी 1 - 1/2 का स्क्वायर क्या बच्चों हो जाएगा, +1/4, और बाहर साइन माइनस है तो 1 - 1/4। इतना तो समझ में आया ही होगा, ये एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा क्या बच्चों, 3/4। जब स्क्वेयर रूट निकाल देंगे तो -√3/2, सही है बच्चों, फाइन। तो ये मिल गया हमें साइन एक्स, नेगेटिव साइन, याद रखो नेगेटिव साइन है और √3/2 हो गया। ओके बच्चों, फाइन, आपको वैसे पता चल ही गया होता, कल बताया होगा कि कॉस एक्स जो है 1/2 है, इसका मतलब कि कॉस 60 के मल्टीपल में कहीं पे थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ये चेक नहीं करना है, साइन एक्स मिल गया, कॉस एक्स है हमारे पास, नाउ वी कैन फाइंड कॉस एक्स एक्स, क्यों, वही ढूंढेंगे हम, क्योंकि साइन एक्स का रेसिप्रोकल है। सो कॉस एक्स एस क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स हो जाएगा -2/√3।
अभी नीचे डिनोमिनेटर नहीं रख सकते हम लोग, तो क्या कर लेंगे बच्चों, रूट थ्री मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सो माइनस टू रूट थ्री अपॉन थ्री, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कॉस एक्स की माइनस टू रूट थ्री बाय थ्री। बहुत आसान है ना। अच्छा अब फाइंड करते हैं टेन एक्स। अभी देखो बच्चों टेन एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, वैसे भी आप जैसे वैल्यू डालोगे, जैसे क्या कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट, तो वो दोनों वैल्यू नेगेटिव है। साइन एक्स जो है हमारे पास माइनस रूट थ्री बाय टू है और कॉस एक्स जो गिवन है वो माइनस वन अपॉन टू है, तो माइनस माइनस वैसे भी प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल है ना, रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू एंड वन अपॉन टू, सो रूट हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है तो वो कट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर रहेगा प्लस रूट थ्री बच्चों, सही है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट आर टेन एक्स प्लस आना था। और कॉटेक्स क्या रहेगा बच्चों, वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टेन एक्स, सीधा लिख सकते हो या फिर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स से भी कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री। इतना आसान था ये क्वेश्चन, ओके, बस ये क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट यही था कि जो डोमेन दिया था, ओके, एक्स की जो वैल्यू दी थी बच्चों वो थर्ड क्वाड्रेंट दी थी और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव रहता है, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव रहती है, तो ये वैल्यूज आप इस हिसाब से फाइंड कर सकते हो बच्चों, ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन, देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यस बच्चों, तो देखा होगा आपने एक्सरसाइज के अंदर जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी हिसाब से बाकी के क्वेश्चंस है लगातार, कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी है और रेस्ट जो है फाइव रेशियो हमें फाइंड करना है ना, तो कुछ इसमें नया कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, sec x इज इक्वल टू 13/5 वेयर x लाइज इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, और हमें बाकी के रेशियोस फाइंड करने हैं, तो x लाइज इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट मींस कि आपको डोमेन दी गई है फ्रॉम फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वहां पे cos and sec ये ही दो वैल्यू जो है यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिलेगी बच्चों, राइट, और बाकी की जो है साइन cosec tan cot वो सारी वैल्यूज नेगेटिव मिलेगी, इतना क्लियर है। वो 10 स्टैंडर्ड में जो हम लोग करते थे ना पाइथागोरस, मतलब रेशियो दिया गया है फिर वो के अप्लाई करके यहाँ पे 13 के मतलब ये cos मिल जाएगा, उसके हिसाब से k लगाएंगे 5k अपॉन 13 के एंड देन बाय यूजिंग पाइथागोरस हम लोग अदर साइड फाइंड करते थे, देन आइडेंटिटी यूज कर करके हम लोग बाकी के रेशियस फाइंड करते थे, लेकिन बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं करना क्योंकि 11th में अपने जो काम कर रहे हो 0 to 360 डिग्री के बीच में कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज होने का चांस है, ओके क्लियर। तो फर्स्ट क्या मिल जाएगा बच्चों, रेसिप्रोकल तो पहले ही लेते हैं, तो कॉस एक्स मिल सकता है, पहले कितना मिलेगा 5/13, तो 5/13 मिल गया हमें कॉस एक्स रेसिप्रोकल, ओके। अब क्या फाइंड करेंगे, ऑब्वियसली साइन एक्स ही फाइंड करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - cos² x। अभी साइन एक्स क्या मिलेगा बच्चों, अंडर रूट प्लस और माइनस 1 - cos² x, और प्लस और माइनस में कौन सी साइन रहेगी बच्चों, बिकॉज एक्स इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सी साइन आई फोर्थ में, नेगेटिव साइन, साइन की वैल्यू फोर्थ में क्या होती है, नेगेटिव होती है बच्चों, करेक्ट, तो वैल्यू हम डालेंगे, कॉस की वैल्यू क्या है बच्चों 5/13, तो क्या हो जाएगा 25/169, सो माइनस साइन 169 माइनस 25 144/169 स्क्वेयर रूट निकाल दिया -12/13, करेक्ट बच्चों, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 12/13, यहां से साइन एक्स तो मिला हमें लेकिन कॉस एक्स उसका रेसिप्रोकल भी मिल गया -13/12, क्लियर बच्चों, ओके फाइन, अभी कॉस एक्स मिल गया, वी कैन फाइंड द टेन एक्स, देखो सीधा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स है हमारे पास -12/13
एंड कॉस एक्स है हमारे पास 5/13, माइनस साइन लगेगा, वैसे भी फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 एंड कॉट विल बी नेगेटिव, 13 विल बी एलिमिनेट, -12/5 और कॉट एक्स क्या हो जाएगा 1/10x, इट मीन्स -5/12, तो 10 की वैल्यू मिले हमें -12/5, कॉट की वैल्यू मिली हमें -5/12, क्लियर बच्चों, इजी है ना, ओके, सो नोट इट डाउन, क्वेश्चन नंबर 5, इसके भी जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं, ओके, कौन से क्वेश्चन, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, राइट, डू योरसेल्फ, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, सेम क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगा, फिर भी कुछ है तो बता दें, तो क्वेश्चन 5 नोट इट डाउन, वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बच्चों, लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन शायद किया था क्वेश्चन नंबर 4, ओके, तो छोड़ा था कुछ 2, 3 एंड 5, ठीक है, क्लियर ना, ओके, बाकी के जो क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 10 सारे कर लेते हैं ना, और ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है साइन 765 डिग्री, -1410 डिग्री है ना, 19π/3, -11π/3, बड़े अतरंगी टाइप के वो लोग डिग्री देंगे हमें और हमें इसको सॉल्व करना है, लेकिन टेंशन नहीं करना, हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर रखनी है और वो जो है कि ये वाली चीज, ये 0 डिग्री है, हमें पता है ये पाई बाय टू है, ये पाई है और ये 3π/2 है, और ये 0 के बाद ये 2π भी तो रहेगी, है ना बच्चों, तो इतना हमें बिल्कुल से दिमाग के अंदर बिठा देना है, और देखो ऐसे अगर एंटी क्लॉक घूम रहे हम लोग तो ये 0 से लेके स्टार्ट होते हैं हम लोग पूरी डिग्री, यहाँ 0 से फिर 2π तक आते हैं, और 2π के बाद फिर अगर हम फिर ट्रैवल करते हैं तो वैल्यूज जो है वो रिपीट होने वाली है ना बच्चों, भले ही आप ओवरलैप कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो एंगल जो बनेगा ना उसकी वैल्यूज क्या होगी उसी हिसाब से फिर रिपीट होने वाली है, तो बहुत सिंपल है, हमें कोई भी अतरंगी कोई भी हमें एंगल दिया है बच्चों, कोई भी एंगल दिया है बिल्कुल ध्यान से, तो हमें सिर्फ यही देखना है कि वो एंगल एग्जैक्टली कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, और 0 to 2π के बीच में उसकी वैल्यू क्या है, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू जो है वो कैसे निकलेगी, मैं समझाता हूं, ये 5 क्वेश्चंस करने के बाद आपको पूरा समझ में आ ही जाएगा, फिर भी ना आए तो मुझे बताना, ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको फोकस कहां करना है कि उसका क्वाड्रेंट क्या आ रहा है, और सेकंड थिंग आपको ये चेक करना है, ऐसे जब अतरंगी टाइप के क्वेश्चंस दिए गए तो इजी क्या होगा कि आपको 0 to 2π अगर इसको डिग्री के फॉर्म में समझे तो ये 0 डिग्री है एंड 360 डिग्री है ना, क्योंकि वो रिपीट हो रही है, फिर 720 आएगा, है ना बच्चों, तो वो रिपीट हो रहा है, तो ये 0 है, 360 है, तो इसको 90 डिग्री बोल सकते हैं, है ना, इसको 180 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे 270 डिग्री, क्योंकि ये डिग्री की बात की तो हम लोग डिग्री में समझेंगे, लेकिन फोकस हमारा यही होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है और वहां पे हमें उसके एंगल ढूंढना है बच्चों, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है फाइन, अब देखो साइन 765, तो देखो 765 तो 360 का मल्टीपल नजदीक में 765 के आसपास कहां है, तो हमें पता है कि 360 है ना, 360 इंटू 2 तो क्या होगा बच्चों 720, राइट, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन, अब ये मल्टीपल है ना 360 का, कोई भी मल्टीपल हो तो वो अगेन यहां पे आ जाता है 0 पे, ठीक है ना बच्चों, वही 0 पे आ जाता है, तो 0 फिर जो प्लस माइनस हो रहा है वो हम सेट करेंगे, तो ये 720 लिख दिया मैंने, 720 + 45, देखो बच्चों समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा, 360 × 2 डिग्री इट मीन 720 डिग्री प्लस 45, 765 का मैंने पार्टीशन किया, ओके, आप पार्टीशन पॉजिटिव भी कर सकते हो नेगेटिव भी कर सकते हो, लेकिन फोकस क्या है हमारा, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है ये हम चेक करेंगे, और ऐसा ही एंगल निकलेगा कुछ, कौन सा वाला कि जो हम जानते हैं कौन सा 0, 30, 45, 60, 90 वगैरह, ओके क्लियर, जो हमने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, तो और हमने फर्स्ट या सेकंड वीडियो के अंदर वैल्यूज दिए टेबल पे, टेबल बनाया था वैल्यूज के, राइट, और वही वही से मतलब बुक के अंदर भी गिवन है, तो
तो ये आपको बराबर मेमोराइज रखना है, क्योंकि अगर 45 का वैल्यू नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। क्लियर है ना? ऐसा आता ही होगा आपको ऑब्वियसली। अब देखो ये मिक्स ना हो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी 0 डिग्री हो गया देखो, तो हमने कैसे घूमे, पहले 360 घूमा, फिर अगेन 360 घूमा, मतलब क्या किया 720 हम लोग घूम लिए। अब कितना घूमना रहेगा 45, तो कौन सा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया ना, तो वैसे भी ये जीरो ही समझे को, 0 + 45 मतलब क्या साइन 45, समझ में आया ना, तो इसका मतलब होगा साइन 45। साइन 45 आपको पता है आंसर आता है 1/√2। एनी प्रॉब्लम? क्लियर ना? ओके नेक्स्ट देखते हैं, -1/410। ओके तो अगेन मैं वही बोल रहा हूं, -1/410, तो अब कैसे भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से आप काम कर सकते हो। देखो 360 डिग्री का डबल होता है 720, एंड 720 का डबल क्या होगा बच्चों 1440, राइट? करेक्ट। तो मैं ऐसे लिखू इसको, अगर थोड़ा कॉसेक -1440 डिग्री लिखा मैंने, क्यों? क्योंकि ये 360 का मल्टीपल था, इसीलिए वो वैल्यू मैंने डाली। प्लस में डालता तो क्या होता, फिर ज्यादा दिक्कत होती। तो जितना भी शॉर्ट हो सके, जितना भी आपका कॉमन सेंस काम कर, इतना इजी रहेगा। तो यहाँ पे -1410 मैंने मल्टीपल लिया, 360 का क्या आता है नजदीक में 1440 का नजदीक में 1440। ओके अब क्या रहेगा, डिफरेंस क्या रहेगा बच्चों, +30 डिग्री करने से ये हो गया स्प्लिटिंग, -1410 +30 डिग्री, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने किया -360 × 4, सही है, एंड +30 डिग्री। देखो ऐसे अतरंगी जितने भी ये एंगल होते हैं ना, कुछ तो आपको ऐसे ही वैल्यू, मतलब जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो ऐसे ही 30, 45, 60 ऐसे ही कुछ वैल्यू सेपरेट होके निकलेगी, ठीक है। अब बताओ मुझे -360 × 4 मतलब क्या हुआ, माइनस मतलब हम जाएंगे क्लॉकवाइज, तो ऐसे घूमे हम -360 - 720 देन अगेन 3rd and 4, तो 4 सर मतलब कि 4 राउंड के बाद वहीं पे वापिस आएंगे, कितने 1440 हम लोग घूम लेंगे, 1, 2, 3 and 4 अगेन 0 पे आ गए, ठीक है। अब यहां पे हो, देन क्या है +30 डिग्री है, माइनस नहीं है, प्लस है, तो प्लस आया इसका मतलब आपको अभी एंटी क्लॉक जाना है, तो +30 डिग्री तो यहां पे आ गए, समझे कि नहीं समझे? यस ओके। अगर मैं एग्जांपल देता हूं, अगर यहां पे -1410 के बदले अगर ऐसा होता -1410 के बदले मैं आपको देता यहां पे 70 - 1470, तो यहां हमें स्प्लिटिंग क्या करना पड़ता बच्चों, कि -1440 - 30 डिग्री, तभी जाके 1 - 1470 होता, और -30 इसका मतलब क्या होता बच्चों, कि यहां तक हम तो क्लॉकवाइज घूमते 1440 4 राउंड के बाद आता है 1440, उसके बाद क्या करना है, सॉरी क्लॉकवाइज घूमते, और इसके बाद हमें क्या करना था -30, तो फिर -30 फिर नीचे आना पड़ता, तो ये जो ट्रिगर होता वो माइनस में मतलब कि फोर्थ क्वार्टर में चला जाता और वैल्यू वहां पे चेंज होती, सही है। लेकिन यहां पे क्या डाला है, यहां पे हमने प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो हमें फिर क्लॉकवाइज 4 राउंड घूमने के बाद 30 डिग्री एंटी क्लॉक घूमना है, तो 30 डिग्री ऊपर चले गए। ओके तो -360 × 4 + 30, तो ये तो 0 ही हो गया, -0 हो या +0, 0 तो 0 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ 30 डिग्री होगा, और कॉसेक 30 डिग्री इसका मतलब क्या है 1/sin 30 डिग्री, और 1/sin 30 है तो 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2, चेक कर लो वो टेबल, तो ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट था इसीलिए पॉजिटिव आया, देखो है ना, क्लियर रखना, ये भी पॉजिटिव आया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट था। ओके फाइन, अब ये चेक करते हैं, अब ये रेडियन वाले क्वेश्चन है। अब यहां तक तो हमने डिग्री वाले क्वेश्चंस थे, अभी रेडियन वाले हैं, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें अगेन यहां पे हमने 360 का मल्टीपल देखा था, यहां पे किसका मल्टीपल देखेंगे रेडियन में, 2π का, क्लियर है ना बच्चों, तो 2π का हम लोग यहां पे मल्टीपल देखेंगे, तो 19π/3 कितना 19
पाई बाय थ्री, और हमें 2π का मल्टीपल देखना है, साथ में ये भी 3 जो डिवाइड हो रहा है उसको भी हमें कंसिडर करना है कि जब हम इसको सेपरेट करें ना तो 3 भी कट हो जाए और 2π का मल्टीपल बचे, राइट। तो इसको 19π को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 18π + π, ओके, डिवाइड बाय 3 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, राइट। जब इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 18π upon 3। इसका मतलब क्या होगा, कितना होगा, 6π होगा ना। तो 6π को ऐसे लिख सकते हैं 3 under bracket 2π। देखो 18π upon 3 मतलब 6π, एंड 6π मतलब 3 into 2π, राइट, एंड प्लस पाई बाय 3। देखो कुछ नहीं किया मैंने, सेपरेट किया, 18π upon 3 रखा मतलब 6π आया, 6π को मैंने 3 under bracket 2π रखा क्योंकि हमें 2π का मल्टीपल चाहिए था, और प्लस पाई बाय 3। समझ में आया, ओके फाइन। अब क्या लिखेंगे बच्चों, मतलब ये तो जीरो हो गया, 3 into 2π अगेन यहां पे हम आ गए, एंड प्लस पाई बाय 3, तो प्लस मतलब कहां जाएंगे हम, एंटी क्लॉक जाएंगे, तो 10π/3। 10π/3 मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 10π/3 की वैल्यू आपको पता है कौन सी होती है, पाई बाय 3 मतलब, पाई बाय 6 मतलब क्या था, 30 डिग्री था, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री हो गया। तो 10 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3। वेरी नाइस, तो ये आंसर है 10π/3 का, ओके, मतलब कि 10 60 डिग्री हमें आंसर मिला। जो ये डिस्ट्रीब्यूट किया उसकी आप प्रैक्टिस और करोगे, मतलब हमें 2π का ही मल्टीपल यहां पे रखना है और ये सेट हमें करना है, और सिंपल है, इसका करते हैं, देखते हैं और प्रैक्टिस। साइन -11π/3, देखो बच्चों अब क्या होगा, हमें यहां पे -11π/3 ऐसे नहीं घूमना है, ठीक है, पहले यहां भी इसको सेपरेट करना है, और 3 का मल्टीपल में ऊपर जाके हम लोग का थोड़ा सेपरेट करना है, देखो कैसा होता है, और वो इवन भी होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो 12π + π, तो हो गया -11π, 12π + π/3। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि 12π से मुझे 2π भी मिलेगा और 3 का ये मल्टीपल भी है। क्यों मैंने -10π नहीं किया, क्योंकि नीचे फिर 3 का मल्टीपल, जो 3 जो है वो कट नहीं होता, और हमारा क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेटर हमें 2π का ही मल्टीपल लेना है, 2π का ऐसा मल्टीपल लेना है जैसे हम 3 को भी, जो डिनोमिनेटर में 3 जो है उसको भी हटा सके, ओके फाइन। तो अब क्या लिखेंगे, -12π/3, तो क्या लिखेंगे बच्चों, -4π + π/3। इसको अलग कर दिया, -12π/π मतलब -4π, -4π अगेन क्या है बच्चों, -4π मतलब क्या है, मतलब -2 into 2π तो है, प्लस π/3 है बच्चों, सही है। अभी -2 into 2π मतलब कि 2π का मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली आप ऐसे घूमो या फिर ऐसे घूमो, माइनस में घूम रहे तो क्लॉकवाइज घूम लिए, फिर भी होगा क्या, जीरो तो आ जाएगा। तो हम फिर से यहां आ गए, और +π/3 मतलब एंटी क्लॉक, इसका मतलब sin π/3, और sin π/3 मतलब कि sin 60, इट मींस आंसर विल बी √3/2 बच्चों, क्लियर एकदम, ओके फाइन। बहुत प्रैक्टिस करना आपको समझ में आ जाएगा, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये चैप्टर में मजा आती है आपको करने में भी, ठीक है। और हमने पहले ही क्वेश्चन चैप्टर यही उठाया है, क्योंकि ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत सारे चैप्टर्स में आता है, तो इसको पहले समझ लेना अच्छा रहता है। -15π/3, सोचो क्या करोगे बच्चों, कॉट है, ओके। अगर बच्चों कोई बच्चा ऐसा बोलता कि आपने बताया था सर साइन, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, sin θ है ना, आपने बताया था सर कि sin θ = होता है -sin θ, ऐसे नहीं कर सकते क्या, तो अलग आंसर आएगा क्या, नहीं वही आंसर आएगा। देखो sin θ मतलब -sin θ, ओके, -sin θ मतलब -sin, अगर ये वैल्यू डालो तो क्या होगी, 11π/3 -sin, तो क्या लिखेंगे अभी, 12π - π लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे कि 12π - π/3
और यहां पे क्या था बच्चों कि साइन 4π - π/3 राइट बच्चों, और 4π मतलब 0 एंड -π/3 मतलब साइन -π/3 बचता है ना, 4π 0 है फिर -π/3 फिर ये साइन -θ अगेन माइनस साइन थीटा होता तो ये माइनस साइन बाहर आ जाता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता और साइन π/3 होता और साइन π/3 मतलब √3/2 होता बच्चों, सही है। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, आंसर वही है। तो ये क्वेश्चन उसी हिसाब से करते हैं। मैंने यहाँ गलती से -15/3 लिखा था, मैंने क्वेश्चन चेक किया इट वॉज 15/4 राइट 15/4 तो यहां से सेम मतलब कि यही हिसाब से हम करेंगे तो कॉट -15/4 मतलब नेगेटिव हो जाएगी, कॉट -θ इज इक्वल टू -cot θ राइट बच्चों, तो -cot 15π/4 देखो ठीक है। अब हम इस तरीके से कर रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं राइट, तो सेकंड ऑप्शन हम लोग अभी इसमें कर रहे हैं तो -cot θ इज इक्वल टू 15π/4। अब इसका डिविजन कैसे करेंगे, 2π का भी मतलब कि 2π का भी मल्टीपल और 4 को भी 4 का भी वो फैक्टर हो तो कैसा होगा बच्चों, -cot तो 16π - π/4 ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, फिर 16π/4 मतलब 4π - π/4 ऐसा लिख सकते हैं ना, cot 4π - π/4 ओके बच्चों, 4π मतलब इट्स द मल्टीपल ऑफ 2π तो ये 0 ही गिनेंगे और -cot π/4 मतलब क्या हो जाएगा -π/4 0 फिर -π/4 हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा ना क्लॉकवाइज, सो 0 -π/4 मतलब -π/4 0 इसलिए बोल रहा हूं कि वो 0 2π 4π सारा 0 ही है तो क्योंकि हम लोग 0 पे ही तो आ रहे हैं ओके। अब क्या बचेगा माइनस, माइनस बाहर आ जाएगा ओके ठीक ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहां पे -(-)+ तो क्या आ जाएगा cot π/4 और cot π/4 वैल्यू क्या आएगी बच्चों 45 मतलब 1 सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, अब इसकी थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करना, बहुत सिंपल है, एक दो बार तीन बार आप क्वेश्चन ऐसे कर लोगे प्रैक्टिस अच्छे से तो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे ठीक है। तो नोट इट डाउन बच्चों, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.2 के खत्म कर दिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ के बारे में बच्चों राइट। और